सब्सक्राइब करें टेक्निकल दृष्टिकोण को और साथ में बेल आइकन दबाएं सबसे पहले टेक्निकल। हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल दृष्टिकोण में। तो गाइज, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग देशभक्ति मोबाइल थीम कैसे अपने मोबाइल फ़ोन से बना सकते हैं। मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाई स्टेप करके बताने वाला हूँ। आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मेरे पास इस तरह से मोबाइल थीम है जो मैं इसको खुद को एक कस्टमाइज करके बनाया हूँ। आप लोग को बताऊंगा कि इस तरह से अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे कस्टमाइज करके और यहाँ पे अपने होम स्क्रीन पर सेट कर सकते हैं, सब मैं आज के इस वीडियो में ए टू जेड बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मैं आप लोग के लिए इसी तरह का नॉलेजबल वीडियो लेकर आता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो के नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन आएगा, इस पर क्लिक करके ऑल कर लें और वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं और वीडियो को अच्छा लगे तो इसे शेयर कर दें। इसके लिए गाइज आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत होगा, उस एप्लीकेशन का नाम है पिक्सा आर्ट। अगर आपके पास पिक्सा आर्ट नहीं है, पिक्सल लैब है, तो उससे भी आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को बताने वाला हूँ पिक्सा आर्ट से। यहाँ पे आप लोग को इस तरह से पिक्सा आर्ट का लोगो मिलेगा, आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास नहीं है तो मैं इस ऐप्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको सबसे पहले उस तरह का थीम बनाने के लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, आप लोग उससे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मेरे पास यहाँ पे जो थीम है, आप लोगों को थीम मैं पहले दिखा देता हूँ। तो ये है मेरा थीम, आप लोग देख सकते हैं ये है। तो इस थीम को आप लोग अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए और इसको आप लोग को यहाँ पे दो दो थीम मैं आप लोग को देने वाला हूँ। ये वाला थीम जो आप लोग देख सकते हैं सिर्फ ये मोबाइल फ्रेंडली है, जो आप लोग को सिर्फ मोबाइल का ही साइज मिलेगा। आप लोग यहाँ पे कैसे अपना कस्टमाइज करना है, चलिए मैं आप लोग को एक एक करके बता देता हूँ। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे ऐड फोटो का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप लोग अगर फ़ोटो भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रोल करना है और स्क्रोल करने के बाद गाइस यहाँ पर कुछ मेरे पास पहले से डिजाइन रखा हुआ है, तो चलिए मैं एक एक करके लगा लेता हूँ। ये है, उसके बाद गाइज मैं यहाँ पे ये वाला लगा लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो चलिए इतना मैं सेलेक्ट करने के बाद ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से मेरे पास कुछ इमेज आ गए हैं और इसको आप लोग को ऊपर लेकर रखना है। मैं इस सब का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप लोग जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मेरा भारत है, इसको आप लोग को यहाँ पे लाना है और इसको सीधा आप लोग को कर देना है और इसका साइज़ को बढ़ा लेना है। इस तरह से बढ़ाने के बाद यहाँ पर आप लोग को बॉर्डर देना है, यहाँ पर आप लोग को बॉर्डर देना है। तो यहाँ पर इस तरह से बॉर्डर का आप लोग को लोगो मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और आप लोग यहाँ पे वाइट दे देना है। तो चलिए मैं ये इतना वाइट दे देता हूँ। उसके बाद आप लोग को ओके पर क्लिक करना है और आप लोग देख सकते हैं मेरा यहाँ पे वाइट इस तरह से लग चुका है। इस तरह से लगने के बाद आपको सबसे पहले एक और इमेज की ज़रूरत है, तो चलिए मैं इस इमेज को लगा लेता हूँ इसके ऊपर इस तरह से, और इसको आप लोग को सेंटर में रखना है। रखने के बाद आपको और ऊपर इसको लेकर जाना है, तो चलिए मैं यहाँ पर सेट करता हूँ इसको। तो गाइज वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस तरह से लगाना है। उसके बाद आप लोग यहां पे इस तरह से फ़ोटो को एडजस्ट कर सकते हैं और यहां पे चलिए मैं एक और फ़ोटो यहां से ले लेता हूं। उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, यहां पे एक झंडे का इमेज लगाना है। तो इमेज लगाने के लिए आपको यहाँ पे ऐड फोटो पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास फ़ोटो एक है, तो चलिए मैं वो ले लेता हूँ, ये वाला है। उसके बाद
आप लोग को ये और लेना है, ये वाला फोटो, और राइट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से इसको एडजस्ट कर देना है इस तरह से, और इसको आप लोग को क्रोपिंग करना है। क्रोप का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे इस तरह से इसको शॉर्ट कर देना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद गाइस इसको नीचे लेकर आना है इस तरह से, और लाने के बाद इसको आप लोग को यहाँ पे करना है ब्लेंड। तो ब्लेंड पर क्लिक कर देना है। ब्लेंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को मल्टी कर देना है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं मल्टी यहाँ पे करने के बाद इस तरह से दिखेगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेता हूँ मेरा कलर। तो गाइस यहाँ पे एक कलर देख सकते हैं अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, तो इसको आप लोग को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। और इस तरह से आपको एडजस्ट अच्छी तरह से नहीं होता है तो सबसे पहले यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं इसको कट करता हूँ। कट करने के बाद यहाँ से क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को ऐड फोटो पर क्लिक करके एक यहाँ से इमेज ले लेना है, जो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ये है। और ये दोनों फ़ोटो को आप लोग को यहाँ पे इस तरह से लेकर लगा लेना है, और इसको भी आप लोग को यहाँ पे लेकर आना है इसको। आप लोग नाम भी अपना लिखना चाहते हैं तो नीचे में लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे नेम भी आपको लिखकर दिखा देता हूँ। उसके बाद क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है इसको लेकर, और यहाँ पे मैं आता हूँ माय फ्रेंड पर, और उसके बाद यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे पास कितनी अच्छी फ्रेंड है ये वाला। क्लिक करता हूँ और इसको आप लोग को बैक कर देना है। बैक करने के बाद आपको नीचे लेकर आना है इस तरह से। तो गाइस आप लोग इस तरह से नेम लिख सकते हैं। इस तरह से बनाने के बाद आपको सबसे पहले ऊपर में आप लोग को यहाँ पे एक देशभक्त का फोटो लगा लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ ये फोटो सलामी का। उसके बाद आपको ये फोटो लगा लेना है, कोई भी फोटो आपके पास है तो उसको लगा सकते हैं। चलिए मैं ऐड फोटो पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये इस तरह से दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि आप लोग को ब्लैक बैकग्राउंड है तो इसको आप लोग को व्हाइट लेना है, जो ट्रांसपेरेंट हो ये वाला, और इसको इस तरह से लेकर आपको लगा लेना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं, फिर आपको जाना है ऐड में और यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद ओके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको आना है यहाँ पे ऐड फोटो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आप लोग को नेक्स्ट फोटो ले लेना है ये वाला, और लेने के बाद इसको आप लोग को क्रॉपिंग में जाना है, और उसके बाद इसका जो रोटेशन है उसको चेंज कर देना है। टिक कर देना है। टिक करने के बाद गाइस यहाँ पे फ्लिप्स रोटेट पर क्लिक कर देना है, और आप लोग को ये कर देना है इस तरह से। ये वाला करने के बाद आपको यहाँ पे लाना है इसको, और इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। आप लोग यहाँ पर अच्छी तरह से करना है आपको, और ओके कर देना है। सेव करना है, उसके बाद सेव डन पर क्लिक करना है, और आपका यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो है बन चुका है ये। चलिए इसको मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ कि मेरे स्क्रीन पर सेव होता है कि नहीं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ये है इस तरह से इमेज, और यहाँ पे जो बनाया हूँ वो एक अलग है। तो चलिए यहाँ पे जाता हूँ सेटिंग पर, और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे थीम लिखना है अपने मोबाइल फ़ोन में। थीम लिखने के बाद आपको थीम डिवाइस आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे वॉलपेपर पर जाना है,
उसके बाद यहाँ फोटो पर जाना है, उसके बाद आप लोग को जाना है पिक्सार्ट में और यहाँ पे ये वाला है। चलिए मैं इस पर इस तरह से कर लेता हूँ और ओके पर क्लिक करना है आपको और यहाँ पे होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को बंद करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे बैक करता हूँ और देखता हूँ कि मेरा यहाँ पे सेट हुआ है कि नहीं। आप लोग देख सकते हैं गाइज मेरा यहाँ पे फाइनली एक अच्छी तरह से सेट हो चुका है। आप लोग यहाँ पे नेम भी मेरा लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं आप लोग के लिए इसी तरह का नॉलेज वीडियो लेकर आता रहता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, राय अपना देना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए पी शांति, शनि नमस्ते।